हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी दोस्त बढ़िया होंगे। और फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। कौन सा स्क्रीन साइज हमारे घर के लिए बेहतर है, इस बात को समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। आमतौर पर हम इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि जो है हम टीवी का कौन सा साइज लें, कौन सा साइज टीवी का हमारे लिए बेहतर होगा। जैसे पहले यदि हम अगर हम बात करें आज से 8-10 साल पहले की, जब एलसीडी या एलईडी का दौर नहीं था और हमारे कन्वेंशनल टीवी जो सीआरटी वाले होते थे वो होते थे, तो उसमें जो है अधिकतर घरों में जो है 14 इंच की टीवी पाई जाती थी या फिर 20 और आपका 21 इंच, ये टीवियाँ अधिकतर घरों में मिलती थी। लेकिन जब से एलसीडी और एलईडी का दौर आया तो स्क्रीन कोई मायने नहीं रखती है, काफ़ी बड़ी स्क्रीन सब आने लग गई हैं। आप देखते होंगे मार्केट में 32 इंच से, या फिर ये कह लीजिए आप 24 इंच से, इवन 24 इंच से आपका मार्केट में स्क्रीन साइज अवेलेबल है, जो कि आपको हर एक ब्रांड में मिल जाता है या लोकल में मिल जाता है, जिसमें कि आप 32 इंच है, उसके अलावा जो है 28 इंच भी आती है, आपका 24 इंच आती है, इसके अलावा 40 इंच, 43 इंच आपका, उसके अलावा जो है 48 इंच, 50 इंच, 55 इंच, 65, 75, 85, तो ये कई सारे साइज आपको मिल जाते हैं मार्केट में। हमारे लिए कौन सा साइज बेहतर रहेगा, आज हम इसी विषय पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। अधिकतर होता यह है कि हम जाते हैं टीवी लेने के लिए और जो है हम एक साइज चूज करते हैं जो कि ऑलमोस्ट 32 इंच का नॉर्मली होता है। आप अधिकतर देखेंगे आज की डेट में कि जो है 32 इंच का साइज ज्यादा बिकता है। उसका रीजन यह है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो है नॉर्मली एक स्टैंडर्ड साइज हो गया है, मिनिमम हर एक घर की जरूरत के हिसाब से। यदि जैसे हम पहले की बात करें तो 20-21 इंच का साइज जो नॉर्मल हुआ करता था, उसकी जगह जो है आज 32 इंच के एलईडी ने ले ली है। तो हम जो है हर एक घरों में देखते हैं कि 32 इंच का टीवी अमूमन पाया जाता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा साइज हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहता है हमारे घर के हिसाब से। यदि मैं बात करूं फ्रेंड्स हमारे कमरे की, तो कई बार हम लोग पूछते हैं कि भाई हमारा रूम जो है 12x12 का है, तो उसमें कौन सा एलईडी लगाना बेहतर होगा, या फिर हमारा लॉबी है, आपका लॉबी जो है 20x40 की है, वहां पे हमारे लिए कौन सा टीवी ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम लोग इस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, एलईडी का चुनाव इस तरीके से करते हैं। जबकि फ्रेंड एलईडी के दौर में ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं, आप कोई भी स्क्रीन साइज चुन सकते हैं, इवन आप 12x12 के रूम में चाहें तो 50 इंच का टीवी भी लगा सकते हैं, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आपको डिस्प्ले क्वालिटी ज्यादा बेटर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, जो कि आपकी आंखों को किसी तरीके से कोई दिक्कत ना दे, इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें। मान लेते हैं आपने अच्छे ब्रांड का टीवी ले लिया, लेकिन उसमें आप एसडी क्वालिटी की वीडियो देख रहे हैं, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको वो क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका जो पीछे से रिसेप्शन आ रहा है वो इतना अच्छा पावरफुल नहीं है, तो इस बात का भी ध्यान रखना होता है दोस्तों। तो उसके लिए यदि आपके घर में आपने किसी D2H प्रोवाइडर के थ्रू ले रखा है, तो कोशिश कीजिए कि अच्छी आपको सर्विस मिले, उसमें अच्छे जो है सिग्नल्स मिले। इसके अलावा यदि आप टाटा स्काई या कोई इस तरीके का सेटअप बॉक्स यूज करते हैं, जो कि HD सेटअप बॉक्स हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है दोस्तों, क्योंकि HD सेटअप बॉक्स में जो है आपको, जिसमें कि HDMI के थ्रू जो है आपको केबल लगी हुई होती है जो LED में आपके, उसके बिहाफ पे यदि आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको पिक्चर क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो है आप मिनिमम जो है HD सेटअप बॉक्स लें, और जो है अपने घर में अगर आपने 50 इंच या उससे बड़ा साइज लगा रखा है तो उसमें आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। वहीं इसके अंदर जो है डिस्प्ले का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। मैं एक छोटे शब्दों में कहूँ तो आप अगर 15 इंच या इससे ऊपर का साइज लेना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आप जरूर से जो है 4K टीवी ले सकते हैं, जिसे हम अल्ट्रा HD के नाम से भी जानते हैं, तो आप अल्ट्रा HD टीवी ले सकते हैं, उसके लिए वो ज़्यादा एक बेहतर विकल्प है बजाय फुल HD टीवी के। 32 इंच टीवी का ज़्यादा बिकने का मेन कारण यही है कि वो मार्केट में आमतौर पे बहुत ही सस्ता मिल जाता है, यूं कह लीजिए कि 8-10 हज़ार रुपये से रेंज की स्टार्ट हो जाती है, जो कि आसानी से मिल जाता है, तो यह एक इकोनॉमिकल रेंज है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है 32 इंच को प्रेफर करते हैं लेना। लेकिन यदि आप चाहें उससे बड़ा साइज लेना तो आप वो भी ले सकते हैं। आजकल कई ब्रांड्स ने अपने प्राइस जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिए हैं, जिसमें कि जो भी आपके इंडियन ब्रांड्स हैं उन सभी के प्राइस आपको काफ़ी कम मिल जाएंगे, तो उनमें भी आप चाहें तो इन टीवियों को ले सकते हैं। और यदि एक बेहतर विकल्प के तौर पर देख रहे हैं तो आप LG या सोनी में से कोई भी टीवी परचेस कर सकते हैं, जो कि आपको जो है एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करा देते हैं, तो उनमें भी आप जाकर के एक बार जरूर देख सकते हैं अपने लिए पसंदीदा अपना मॉडल, जो आपको पसंद आता हो पर्टिकुलर साइज में, वो आप परचेस कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप LED को मात्र एक टीवी के तौर पर देखना चाहते हैं तो आप 32 इंच टीवी आपके लिए काफ़ी रहता है,
वहीं यदि आप सिनेमा के दीवाने हैं, थोड़ा सा फिल्में वगैरह देखने के शौकीन हैं, तो आप बड़ा साइज ले सकते हैं। वो काफ़ी फायदा देता है क्योंकि उसमें आपको काफ़ी अच्छे सिनेमेटिक इफेक्ट जो है देखने को मिलते हैं। क्योंकि स्क्रीन साइज बड़ा हो जाता है तो आपको घर में ही सिनेमा हॉल जैसा मजा आता है, क्योंकि आपकी जो दूरी है वो घर में मान लीजिए 6-7 फिट है, वहीं हॉल में जो है हो सकता है वो 60-70 फिट हो। तो इसलिए उस चीज का आपको काफी लाभ मिल जाता है। यदि आप घर के अंदर जो है मान लेते हैं 55 इंच 4K का आपने टीवी लगा रखा है और 10 फिट की दूरी से देखते हैं फ्रेंड्स, तो काफी अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा उस पर। 55 इंच का 4K टीवी भी यदि आपने लेना हो तो वह आसानी से आपको लगभग 40,000 रुपये की रेंज में मिल जाता है। यदि मैं आज की बाइंग कंडीशंस की बात करूं अधिकतर ग्राहकों की, तो मैं यह बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि आप टीवी लेने का सोच रहे हैं तो आप मिनिमम 43 इंच प्लान कीजिए अपने रूम के लिए। यदि जगह कम है तो यह बात अलग है, आप 32 इंच ले सकते हैं। यदि आप आगे के हिसाब से प्लान कर रहे हैं तो आप मिनिमम 43 इंच का टीवी परचेज कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाला समय जो है वो मिनिमम 43 इंच का होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ 2020 की, यानी कि एक महीने बाद की। एक महीने बाद से आप देखेंगे कि अधिकतर जो है 43 इंच के टीवी बिकेंगे या उससे बड़े साइज बिकेंगे। 32 इंच का टीवी जैसे आपका पहले 14 इंच का टीवी हुआ करता था, सेम उस पोजीशन पे आ जाएगा, या फिर यूं कह लीजिए एलईडी के दौर में जैसे 24 इंच का टीवी होता था उस हालत में आ जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि आप 43 इंच का टीवी लीजिए, ताकि आपको आने वाले भविष्य में दिक्कत ना हो। क्योंकि एलईडी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हम थोड़ा लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं, या यूं कह लीजिए कि हम थोड़ा लंबे समय के लिए सोच करके लेते हैं। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि आज आप 32 इंच का टीवी ले लें और मात्र आपको 6-7 महीने या 1 साल में ये सोच के अफसोस हो कि हमने टीवी का साइज बढ़ा लिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो इसलिए अभी से आप उस चीज़ को प्लान करके चलें दोस्तों, आप जो है 43 इंच का टीवी ले सकते हैं। यदि आप किसी अच्छे ब्रांड में लेना चाहें तो उसमें भी आप ले सकते हैं। यदि आपको लगता हो कि हाँ भाई वो थोड़ा महंगा पड़ रहा है, कई बार होता यह है कि हम लोग लेने जाते हैं बड़ा टीवी, लेकिन महंगा होने के कारण हम छोटा टीवी ले जाते हैं क्योंकि हमें ब्रांड चाहिए होता है। लेकिन आप चाहें तो आज की डेट में फाइनेंस की सुविधाएं जो है लगभग हर राज्य में उपलब्ध हैं, तो आप जो है फाइनेंस की सुविधा का लाभ लेकर के भी एक बड़ा साइज का टीवी ले सकते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और अधिक से अधिक जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो है किसी जरूरतमंद के काम आ सके। इसके अलावा जो है मैं बात करूंगा उन नए व्यूअर्स की जो पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसी तरीके की मेरी टेक रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है इंस्टेंट मिलता रहे। जो भी अपने घर में सिनेमा के लिए टीवी का यूज़ करना चाह रहे हैं, वो लोग चाहें तो 55 इंच या 65 इंच का एलईडी टीवी परचेज कर सकते हैं। आज की डेट में मैं बात करूँ दोस्तों तो 55 इंच का टीवी आपको काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल जाता है, और वहीं मैं बात करूँ 65 इंच का तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट आप अपने हॉल के लिए जो है 55 इंच या 65 इंच में से किसी भी टीवी का चुनाव कर सकते हैं। बाकी यदि आप चाहें तो उससे बड़ा टीवी भी आप ले सकते हैं, लेकिन अभी बड़े टीवी की इतनी रिक्वायरमेंट रहती नहीं है दोस्तों। कारण यह है कि आप जैसा कि जानते होंगे कि जिस टीवी के ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उसकी कॉस्ट उतनी ही कम होती है, और जिस टीवी का प्रोडक्शन कम होता है उसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा होती है। तो इसलिए आमतौर पर जो है 55 इंच तक का टीवी काफ़ी अधिक मात्रा में बिकने लगा है दोस्तों, तो इसके प्राइजेज आपको जो है अमूमन हर एक मॉडल से जो है कम मिल जाते हैं। तो इसलिए जो है आप 55 इंच से ऊपर का टीवी यदि लेना चाह रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको महंगा लग सकता है, लेकिन 55 इंच या उससे नीचे का कोई भी साइज आप लेना चाहें तो आपको आज की रेट में बिल्कुल भी महंगा नहीं लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने अपने बहुत ज़्यादा प्राइस जो है गिरा दिए हैं, बहुत प्राइस इस समय कम है, तो आप आसानी से ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एक बड़ी कंपनी की, तो सोनी जैसी कंपनी जिसका कि 55 इंच का टीवी कभी 1.5 लाख से नीचे नहीं आता था, आज की रेट में वो भी आपको जो है लगभग 85,000 रुपये की रेंज में, या यूँ कह लीजिए 80,000 तक, कहीं कहीं 80,000 तक भी आपको जो है 55 इंच का टीवी मिल जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से ले सकते हैं। बजाज फाइनेंस या फिर कोई और भी फाइनेंस की सुविधा आपके राज्य में या आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो तो उसकी मदद से आप उसको ले सकते हैं और एक बेहतर क्वालिटी का लाभ ले सकते हैं दोस्तों। 32 इंच में सिर्फ जो आपको विकल्प मिलता है वो HD रेडी और जो है फुल HD डिस्प्ले का विकल्प मिलता है, तो आप इन दोनों में से कोई भी विकल्प अपनी सुविधा के अनुसार चूज कर सकते हैं दोस्तों। अमूमन घर के लिए HD रेडी टीवी ही काफ़ी होता है, क्योंकि इसमें जो आपको फुल HD का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आप फुल HD तक का प्लेबैक वीडियो देख सकते हैं उसमें पेन ड्राइव की मदद से, या स्मार्ट अगर टीवी है तो स्मार्ट टीवी में स्मार्ट टीवी की मदद से, यानी कि कोई एप्लीकेशन की मदद से आप फुल HD वीडियो उसमें देख सकते हैं दोस्तों। 43 इंच या इससे ऊपर के साइज की, तो इसमें जो है आपको फुल HD, इसके अलावा जो है 4K डिस्प्ले मिल जाती है,
तो उनमें आप जो है अपने अनुसार जो है उनका चयन कर सकते हैं कि यदि आप चाहें कि फुल एचडी टीवी लेना है तो आप फुल एचडी ले सकते हैं, यदि आप 4K लेना चाहें तो 4K ले सकते हैं दोस्तों। और मैं बात करूं आने वाले भविष्य के हिसाब से तो 4K टीवी एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि अब जो है 4K टीवी का ही दौर आने वाला है, क्योंकि अमूमन 4K में भी यूट्यूब में वीडियो जो है अवेलेबल है दोस्तों, तो उनका भी आप ले सकते हैं। मैं एक छोटी सी आपको बात बता देता हूँ कि 4K यदि कोई पिक्चर क्वालिटी का कंटेंट है तो उस 4K वीडियो को जो है आप फुल एचडी में नहीं चला सकते हैं, ये एक ड्रॉबैक है, लेकिन फुल एचडी वीडियो आप 4K में चला सकते हैं। तो यदि आपके पास 4K टीवी है तो भविष्य में भी आपको इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि 4K का कोई वीडियो आपको चलाना है तो वो भी आप आसानी से चला पाएंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।